नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ यहाँ पे मैं आप सभी को लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल को डिज़ाइन करके रखा है जहाँ पे मैंने लिया है स्टूडेंट नेम क्लास रोल नंबर मार्क्स दोस्तों इसी टेबल के ऊपर बेस करके मैं आपको लाइन चार्ट और पाई चार्ट को इंसर्ट करके दिखाऊंगा दोस्तों मैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम और मार्क्स कॉलम के ऊपर बेस करके लाइन चार्ट को इंसर्ट करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट नेम कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको कंट्रोल की को प्रेस करके मार्क्स कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में इंसर्ट टैब से आपको जाना है चार्ट्स ग्रुप में चार्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे देखिए बहुत सारे चार्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए नीचे ये वाला है लाइन चार्ट तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद लाइन चार्ट का बहुत सारे सैंपल मिलेंगे यहाँ से आप जो पसंद हो उसमें एक बार क्लिक करेंगे क्लिक करने के साथ ही वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा अब इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर थोड़ा राइट साइड में लेके आऊँगा और इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा बड़ा करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो सारे स्टूडेंट का नाम वन बाई वन आपको यहाँ पे दिखाएगा और ऊपर की तरफ यहाँ पे उनका मार्क्स का एक ग्राफ आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाएगा तो ये है लाइन चार्ट आप इस चार्ट को डिजाइन भी कर सकते हैं इसके लिए इस चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा डिजाइन टैब में डिजाइन टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक मोर बटन है यहाँ पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे स्टाइल आपको मिलेंगे जो स्टाइल आपको पसंद हो जस्ट उसमें एक बार आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के साथ ही वो स्टाइल यहाँ पे देखिए अप्लाई हो चुका है अब मैं इस चार्ट में वैल्यूज को ऐड करूंगा इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस साइन में जाके क्लिक कर देना है क्लिक करने के साथ यहाँ से देखिए चार्ट एलिमेंट्स का बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे यहां से आपको डेटा लेबल जो ऑप्शन है इसको आपको एक्टिव कर देना है एक्टिव करने के साथ ही ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो सारे वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ चुका है तो दोस्तों ये था लाइन चार्ट का प्रोसेस अब मैं सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको पाई चार्ट इंसर्ट करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले मैं इस चार्ट को डिलीट करूंगा डिलीट करने के लिए आपको इस चार्ट को पहले सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद की से जस्ट डिलीट की को एक बार प्रेस करेंगे तो ये चार्ट डिलीट हो जाएगा दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट नेम और मार्क्स के ऊपर बेस करके पाई चार्ट को इंसर्ट करके दिखाऊंगा इसके लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस करके मार्क्स को भी सिलेक्ट कर लेना है फिर आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको जाना होगा चार्ज ग्रुप में और यहाँ से आपको क्लिक करना है पाई चार्ट में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जो स्टाइल आपको पसंद हो जस्ट उसमें एक बार आपको क्लिक करना है क्लिक करने के साथ ही वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा फिर मैं इसको थोड़ा राइट साइड में ले लूँगा इसके बाद मैं चार्ट एलिमेंट में जाके मतलब कि प्लस साइन में क्लिक करके चार्ट एलिमेंट से डेटा लेवल्स ऑप्शन को एक्टिव कर दूंगा जस्ट इसको एक्टिव करने के साथ ही सारे वैल्यूज जो है मतलब कि सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा तो दोस्तों ये हो गया मेरा लाइन चार्ट और पाई चार्ट को इंसर्ट करना तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज करके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इजीली किसी भी चार्ट को पाई चार्ट लाइन चार्ट को इजीली इंसर्ट कर सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो प्लीज कीप योर सपोर्ट